आप कौन है? घर में कोई बड़ा है? यस, हमें मिस्टर विजयनाथ ने भेजा है। ये मिस्टर संजय मल्होत्रा हैं। हम ये साइट देखने आए हैं, ये विला हम खरीद रहे हैं। आप ये घर बिना परमिशन के नहीं देख सकते हैं। मैडम, परमिशन तो हमें मिस्टर विजयनाथ ने ही दी है। मुझे जगन से बात करने। जगन ही तो हमें यहाँ छोड़ के गया है। पर ये घर हमारे पास एक साल के लिए है, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने हमें दिया है। कोई मेरे घर को हाथ नहीं लगा सकता। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये कैलाशनाथ का घर है, विजयनाथ का नहीं। बाहर जाओ, चलो निकलो। एंजल मत करो, मम्मा डर रही है। एंजल तुम गुस्सा मत हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पंकु, किससे बातें कर रहे हो तुम? एंजल से, वो नाराज हो गया है। क्या? एंजल प्लीज सामने आओ। कैलाशनाथ हूं जिसे दुनिया भूत कहती है और आपका बेटा एंजल समझता है। यह मेरा घर, मेरी निर्मला का घर। अपने हाथों से उसने इसे सजाया, एक एक कोना उसने अपने हाथों से सजाया। इस घर को घर बनाया उसने, घर बनाया। हमारा भी एक परिवार था, आपके परिवार की तरह हमारा भी एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मेरा बेटा विजय बहुशाना और आपके बेटे की तरह मेरा पोता विभु चला गया है। विजय, विदेश, घर छोड़कर। जीते रहो। माँ, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तुम मत जाना बेटा। अरे कैसी बातें कर रही हो? पहला कदम उठाने जा रहा है, इस तरह टोकते नहीं है। आजा बेटे, आओ। वहीं जाकर बस गया हमें अकेला छोड़कर। तरसती रही उसकी माँ उसे देखने के लिए। यहां यहां बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। जी बाबूजी, चेक तो टाइम पे मिल गया था ना? बेटा, चेक तो टाइम पे मिल जाता है, बस तू नहीं मिलता। जी कोशिश कर रहा हूं मैं, इस बार कॉन्फ्रेंस मुंबई में। मुंबई आया तो गोवा आऊंगा ही। बेटा तू आएगा तो मां से कहना उसी से मिलने आया है, कॉन्फ्रेंस की बात मत करना। अच्छा सुन, मैं ये फोन माँ के पास ले जा रहा हूं, एक बार उससे भी बात कर ले। ओके, भूल गया होगा। नहीं, कभी कभी लाइन नहीं मिलती, अमेरिका है भी तो इतनी दूर। हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला गया,
पहले एक ही आवाज में दौड़ा आता था। और निर्मला चली गई अपने बेटे की राह देखते देखते, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपका बेटा आया ही नहीं? आया, बाबूजी मैं बाबूजी, I'm sorry. सॉरी बाबूजी। तूने आने में बहुत देर कर दी बेटे। I'm sorry बाबूजी। तारा देख रहे हैं? वो वाला? हाँ। वो दादी जी हैं। हाँ। मैं कहीं भी जाऊंगा वो मेरे साथ रहेगी। हाँ, तुम जहाँ जाओगे दादी जी तुम्हारे साथ रहेंगे। दादी जी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादा जी अब मैं आपके साथ रहूंगा यही। हाँ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये पकड़ो 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 इसे। सो दिस इज द हाउस मिस्टर प्रधान। इट्स ह्यूज एंड वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड। ओह यस। और आपको ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे। वहाँ ऊपर क्या है? टेरेस है, आइए वो भी देखते हैं। चलो 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 घर आ गए, घर आ गए घर। मीट माय फादर श्री कैलाशनाथ। बाबूजी ये मिस्टर प्रधान है, इनका रिजॉर्ट्स का बिजनेस है, ये हमारा घर खरीद रहे हैं। खरीद लिया समझ लीजिए कैलाशनाथ जी, दरअसल पेपर वर्क भी हम कल ही फिनिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रधान साहब, ये घर बिकाऊ नहीं है। लेकिन विजय ने तो मुझसे कहा था कि अभी बच्चा है, इस घर का क्या करना है वो ये तय नहीं करेगा। विजय व्हाट इज दिस? आई एम वेरी सॉरी प्रधान साहब, आप पेपर्स रेडी कीजिए, हम कल बैठकर बात करेंगे। ये घर नहीं बिकेगा, सुना नहीं तुमने? इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी प्राइस मिल रही थी और आपने अपने घर की कीमत लगा रहे हो तुम? क्या ऐसा क्या है इस घर में बाबूजी? क्या है इस घर में तुम पूछ रहे हो कि क्या है इस घर में? इस घर में तुम्हारा बचपन है। पहली बार जब तुम इस घर के अंदर अपनी मां की गोद में आए थे, उस मां की खुशी है इस घर में। जब तुमने चलना सीखा था तो उसकी हंसी है इस घर। और जब तुम बीमार होते थे और रात रात भर तुम्हारी मां जाकर तुम्हारी देखभाल करती थी, उसकी वो परेशानी है इस घर में। और जब वो बीमार पड़ी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अपने बेटे के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार है इस घर में। बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, हम सब अमेरिका चले जाएंगे और फिर इतना बड़ा घर इसे संभालेगा कौन? बेच देते हैं इसे। क्यों बेचेंगे, यही रहेंगे साथ में। नहीं बाबूजी मैं नहीं रह सकता यहाँ, और बार बार वहां से वापस भी नहीं आ सकता। मेरा काम सफर करता है, विभू की पढ़ाई सफर करती है। और अगर इसे यही रहना था तो आपने विदेश भेजा क्यों? पढ़ने के लिए भेजा था, बसने के लिए नहीं। बाबूजी तो आप हमारे साथ अमेरिका चलिए ना, अब यहाँ रह के आ गया है और वैसे भी आप अकेले रहकर करेंगे क्या? अब तो मां भी चली गई। माँ कहीं नहीं गई है बेटे, वो यही है शिखर में, सुन रही है तुम्हारी बातें। तू जा, जा अपना काम कर, मैं यहीं रहूंगा और सोचूंगा कि कहां गलत हो गया मैं तुम्हारी परवरिश में। दे
दिस इज रियली ह्यूमिलिएटिंग। आई मीन इस घर पर तुम्हारा कोई हक है कि नहीं? आई एम सॉरी विजय, बट आई कैंट स्टे हियर एनी मोर। और कोई जरूरत नहीं है उन्हें अमेरिका ले जाने की। He is not coming with us to America. Papa, मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी मैं कोई बात नहीं बेटे, गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से गलतियां हो जाती। नहीं बाबूजी, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं? जा रहे हैं मतलब? बाबूजी हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं विजय सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो तुम? बाबूजी आप जब चाहे अमेरिका आ सकते हैं। मैं कैसे रहूंगा तुम लोगों के बगैर? मैं चेक भेजता रहूंगा हर महीने। बाबूजी विजय मेरी बात सुनो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बहू सामान वापस रखो। विभू चलो नीचे आओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहा ना नीचे आओ। विजय इधर आओ बेटा। विभू इधर आओ। नहीं विजय, जब तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हो तो मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। मत जाओ विजय, मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। यही पड़ा रहा। लेकिन उसने एक बार भी मुड़के मुझे नहीं देखा, एक बार भी नहीं।
तब से मैं इस घर में भटक रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को इस घर में रहने नहीं दिया। फिर ये आया। मेरा एंजल, इसने मुझे बदल दिया। मैं भूल गया था कि मैं जीवित नहीं हूं। ये अभी भी दर्द होता है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होता। आप कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आप अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देते? नहीं, कभी नहीं, नहीं माफ करूंगा। वो मुझे छोड़कर गया, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे 100 जन्म यहां पर क्यों ना भटकना पड़े, 100 जन्म। अब इस घर में सिर्फ तुम लोग रहोगे। बंकू रहेगा हमेशा। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तुम लोग। क्या वो अभी भी यहीं है? तो इस वक्त वो कहाँ है? कैलाशनाथ को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसी के लिए इस मंदिर में उसने कितनी ही पूजा अर्चना की। अब उसका मन आपके बेटे से जुड़ गया है। इसी बात का तो डर है पुजारी जी, कहीं वो बंकों को कुछ। नहीं नहीं नहीं, कैलाश ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध, उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करना होगा। लेकिन ये तो उनका बेटा ही कर सकता है ना? हाँ, करना तो उसी को चाहिए। वैसे कैलाश की मृत्यु के बाद आज तक उसका श्राद्ध नहीं किया गया, कौन करता? बेटा तो विदेश में था। वैसे सुना आजकल वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर एक बार मैं उनसे जरूर मिलकर बात कर लूंगा। मेरी माने तो आपका बेटा ही कैलाश को मोक्ष दिला सकता है। बच्चों की तो भगवान भी सुनता है, उसकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। विजय, आदित्य। हाय। जब भी गोवा आता हूं यहां जरूर आता हूं। गोवा आते हुए अपने घर नहीं आते? वहां तो आप रुके हुए हैं और आप हमें वहां से निकालना चाहते हैं। नाथविला तोड़ रहा हूं, इस बार जमीन बेचकर हमेशा के लिए गोवा छोड़ दूंगा। ना रहेगा घर, ना रहेगा भूत। भूत नहीं, आत्मा, आपके पिताजी की अतृप्त आत्मा। अतृप्त, डिससैटिस्फाइड। पिताजी हमेशा मुझसे डिससैटिस्फाइड ही रहे, समझ नहीं पाए मुझे कभी। या फिर शायद आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए। विजय, आपके पिताजी का मन अपने घर से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपकी मां की यादों का ये घर टूटे। शायद इसलिए आज तक उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए आदित्य, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। एंड आई फाइंड इट रियली फनी कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे अलावा सबको परेशान करती है। परेशान नहीं करती, अपने होने का एहसास दिलाती है। काफी जानते हैं आप मेरे पिताजी के बारे में। जिस दिन आप घर छोड़कर जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले, उनका पैर फिसला, वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो, लेकिन उनके बेटे ने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वो एक एक्सीडेंट था, ऐसा आपको लगता है? अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आई किल्ड माय फादर? कुछ नहीं जानते हैं आप।
मैं गलत नहीं था, वो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि। और अब आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे विजय। विजय सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने पिता से। एक बार घर चल के माफी मांग लो, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो आप मुझे ये बताने आए हैं मुझे क्या करना है? मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए हमने पूजा रखी, हम श्राद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में श्राद्ध नहीं होते, फिर भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिता का श्राद्ध तो बेटा ही करता है। अरे तो आप कीजिए ना, पूजा श्राद्ध वगैरह आपको जो करना है कीजिए, मैं अगले दिन घर की चाबी लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद जरूर रखूंगा। वैसे विजय, इन सब बातों को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन इतना मान गया हूं कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं, ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। वो कल हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं तुम्हारे भूतनाथ के लिए। हाँ, उनका जन्मदिन है। उनके नए जन्म के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति? वो क्या होती है? इधर आओ बंकू। देखो, जैसे तुम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए हो, वैसे इस पूजा से तुम्हारे भूतनाथ एंजल से स्टार एंजल बन जाएंगे। स्टार एंजल? मैं अभी बता के आता हूँ। अरे बंकू, बंकू। भूतनाथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए एक पूजा रख रहा हूं। मुक्ति? हाँ, जैसे मैं फर्स्ट एंजल से सेकंड स्टैंडर्ड में चले गया, वैसे तुम एंजल से स्टार एंजल बन जाओगे, जैसे दादाजी। उधर देखो ना। देखने दे, जी भर के देखने दे। पता नहीं किस जन्म में फिर तुमसे मिल पाऊंगा मैं। क्यों? तुम भी तो मुझे दादाजी की तरह देखोगे ना? देखूंगा, नजरें तुम्ही पर टिकी रहेंगी। प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज देखा करोगे। प्रॉमिस। लेकिन कभी क्लाउड्स आ गए तो? तुम्हारे मेरे बीच में भगवान भी नहीं आ सकता। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे। आइसक्रीम नहीं दी तो करूंगा। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतनी सारी प्रॉमिस, और वो भी एक साथ। भूतनाथ, तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिल रही है, तुम कहीं जा थोड़ा रहे हो। अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा सबको माफ करोगे। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। नहीं, माफ करना जरूरी है। जिस तरह गंदे कपड़े को धोने से वो साफ हो जाता है, इसी तरह माफी मांगने से मन साफ हो जाता है। फिर तुमने अपने बेटे को माफ क्यों नहीं किया? क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी। क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है,
रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर। गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया, बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूं देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर। गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। अपना नाम बोलिए। मैं विजयनाथ। आपका गोत्र? कश्यप गोत्र। कहिए, मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने पिता श्री कैलाशनाथ की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं।
जानो क्या है मुक्ति, नहीं करो मुझसे ये बहाना, देखो मुझे सिखा कर जीना ऐसे मुझको छोड़ न जाना। पापा मेरा भूतनाथ का है। तुम्हारे भूतनाथ को मुक्ति मिल गई बेटा, लेकिन आपने तो कहा था कि हम लोग उनकी जन्मदिन के लिए पूजा रख रहे हैं। वो चले गए। ठीक कहते थे आप, कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। मैं बाबूजी से I'm sorry, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा भूतनाथ चला गया। तुम उनसे कहना कि ये घर घर ही रहेगा और अब से तुम्हारा रहेगा, और उनसे कहना कि वो मुझे माफ कर दे।